प्रभास, हाउ आर यू? प्रभास, कुछ तो कहो। हाय निशा, तुम कब आई? कैसे आई? कितने साल हो गए? मैं इसे यहाँ लाई हूँ, ये मुझे मंदिर में मिली, ये घूमने के लिए आई। क्या फराटेदार इंग्लिश बोलिंग, इसलिए आई लाइक हर वेरी मच। और अपने साथ यहाँ गेटिंग, इसने बताया ये तुम्हारी जूनियर है। यू टॉकिंग, आई कमिंग। थैंक यू आंटी। अगर इसके बाप को इंग्लिश आती तो तेरी माँ उससे भी उठा लाती है। सॉरी प्रभास, डैडी ने मुझे सब बता दिया। तुम्हारी लव स्टोरी कमाल की है। नंदिनी, नंदिनी, वो वाली अलग थी, ये वाली अलग है। निशा आओ, मैं तुम्हें बाकी पब्लिक से मिलाएंगे। हाँ, व्हाट बोले? नहीं नहीं, आप जाइए जाइए जाइए। ओए माँ, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। कौन सी? निशा नंदिनी को मिलेगी तो? हाँ, मैंने उसे कह दिया वो अलग थी, अलग है। गधे, उसने कह दिया कि वो स्विट्जरलैंड से आई है तो। माँ, निशा कहाँ है? नंदिनी के पास है, दोनों गप्पे मारेंगे। इसे वोट होइंग। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वाली कॉफी फॉर यू। मैं सिर्फ कैपेचिनो पीती हूँ। उसे सच का पता चल गया, फिल्म का विलन हमारी बजाएगा। प्रभास, जरा अंदर आना, तुमसे बात करनी है। ए सुन, सारी चीजें खुल के बता देना। ए जाना। नंदिनी, वो कौन थी? तुम्हारी गर्लफ्रेंड? मेरी जूनियर। क्यों? सॉरी प्रभास, दरअसल हुआ यूं कि तुम स्विट्जरलैंड वाली नंदिनी हो ना? हाँ, मुझे पहले से ही पता था, प्रभास ने मुझसे झूठ बोला। नंदिनी, नंदिनी। हाँ, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, तुमने कुछ कहा? इफ यू डोंट माइंड, अभी मैं थोड़ी बिजी हूँ, तुम नीचे जाके आंटी से बात करो ना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। एक फ्रेंड से अर्जेंट चैट कर रही थी, इसलिए उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, उसे बुरा तो नहीं लगा होगा ना? मतलब तुमने निशा की बात बिल्कुल नहीं सुनी? जरा भी नहीं ना। बहुत अच्छा किया, वैसे भी वो एक नंबर की चिपकू है, तुमने बस मुझे इसलिए बुलाया था ना? हाँ। सच कह रही हो? यही बात है ना? आज की ताजा खबर, नंदिनी ने कुछ भी नहीं सुना। अगर वो सुन भी लेती तो क्या फर्क पड़ता? क्या भूल गया क्या? आज की रात उसकी यहाँ आखिरी रात है, कल वो चली जाएगी। ओह, इस बार मुझे एक अच्छा दामाद मिल गया, मुझे ऋषि वाकई पसंद है। तो फिर देर किस बात की है, वैसे भी तू आज जा रहा है। चल नंदिनी की राय जान ले, आ जा। आज चाहे कुछ भी हो जाए, नंदिनी से मैं दिल की बात कह के रहूंगा। पूछ। तू पूछ। तू पूछ। बोला ना, तू पूछ। नंदिनी बेटी, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। प्रभास कहाँ है अंकल? कुछ चाहिए क्या? कुछ नहीं, मैं अभी आती हूँ। नंदिनी, नंदिनी, भैया यहाँ आओ जल्दी। अरे मेरा यहाँ बैंड बजा हुआ, क्या हुआ? मेरा ऑर्केस्ट्रा बजा हुआ है, मेरी जिंदगी का सवाल है भैया, और इसमें मेरी मदद आप ही कर सकते हैं, और नहीं करनी है तो अपनी हीरोइन के पास जाओ। क्या बात है?
मुझे प्रकाश नाम के एक लड़के से सच्चा प्यार है। हाँ तो? कल रात को उसने मुझे फोन किया, ऑस्ट्रेलिया में उसे जॉब मिली है, 1,00,000 सैलरी, 10 दिन में जॉइनिंग। वो मुझसे शादी करके मुझे वहाँ पर ले जाना चाहता है। सुपर, सुपर का होल स्क्वायर। किस्मत वाली है, तुझे बस पापा की रजामंदी चाहिए ना। अरे बात वो नहीं है, प्रकाश के माँ बाप बहुत लालची हैं। उनका कहना है कि अगर होने वाली बहू 50,00,000 का दहेज नहीं लाएगी तो उसे एंट्री नहीं देंगे, इसीलिए। उसे तुझसे प्यार है या तेरे दहेज के पैसों से? प्लीज भैया, सच्चाई से मुंह मत फेरिए। अगर मैं उनके घर दहेज लेकर गई तो हमारी शादी हो जाएगी और हम दोनों सुखी रहेंगे। तुम प्यार में इतनी अंधी कैसे हो सकती हो? तुम्हें पढ़ाने के लिए चाचा ने कितनी तकलीफें उठाई, अब वो अचानक इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे? इसी बात की तो मुझे फिक्र है, घर में बैठी अपनी जवान बेटी की तो उनको कुछ पड़ी ही नहीं है। सारी जिंदगी अपने पैसे दोस्तों में बांटते रहे और हमारे पास इस घर के अलावा और कुछ नहीं है। बाबा से कहो इस घर को बेचकर मेरी शादी करवा दे। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? इस घर को बेचने के बाद चाचा रहेंगे कहाँ? शादी करने के लिए ये घर तो बेचना ही पड़ेगा ना भैया। अरे काल करे सो आज कर, अगर मैंने ये अपॉर्चुनिटी खो दी तो क्या होगा जानते हैं? मैं यही पड़े पड़े बुढ़ी हो जाऊंगी और मोहल्ले के सारे बच्चे मुझे कवारी बुआ बोल के चिढ़ाते रहेंगे। क्या आप चाहते हैं कि मैं ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी गुजारूं प्यारे भैया? प्लीज भैया, मेरी खातिर पापा को मनाइए ना। ठीक, उनसे बात करता हूँ। चाचा मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। बताना यहाँ पे आई तो सही ले जा रहा है। अरे ऐसी कौन सी खास बात है जो वहां नहीं कर सकता था? मेरा एक दोस्त है प्रकाश। हाँ। बहुत अच्छा लड़का है। हाँ। ऑस्ट्रेलिया में काम करता है। हाँ। जानते हैं उसकी सैलरी कितनी है? 1,00,000 रुपए महीना। वो 10 दिनों में शादी करके जाना चाहता है। प्रसन्ना के लिए इसे अच्छा लड़का कहीं और नहीं मिलेगा अंकल। तुझे तो अपनी बहन की मुझसे ज्यादा फिक्र है। वो तेरा दोस्त और अच्छा लड़का भी है, इसीलिए मुझे ये रिश्ता मंजूर है। पर चाचा वो लोग 50,00,000 रुपए का दहेज चाहते। दहेज में 50,00,000? ये घर भेज देते हैं बेटा। पर चाचा ये घर तो आपको जान से प्यारा है। वो तो है, मगर ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। ये घर मुझे जान से प्यारा भले ही हो, लेकिन उससे प्यारी मुझे मेरी बेटी है। हाँ सुन, उसे ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। पर क्यों चाचा? क्योंकि वो जानती है कि ये घर मुझे पसंद है, मैं इसे नहीं बेचूंगा। और वो 10 दिन में शादी करके मुझे यूं छोड़कर जाने के लिए राजी नहीं होगी। राजी क्यों नहीं होगी? मैं राजी करवाऊंगा बेटा। आप कुछ मत कहिए, देखिए मैं उसे कैसे मनाता हूँ। प्रसन्ना इधर। बाबा और मैंने तेरे लिए रिश्ता पक्का किया है। नाम है प्रकाश, ऑस्ट्रेलिया में काम करता है, 1,00,000 सैलरी है, मेरा अच्छा दोस्त है, लड़का एकदम हीरा है। मुझे ये शादी नहीं करनी है भैया, नहीं करनी है। मान जा बेटी, अगर ये रिश्ता ठुकरा दिया तो दोबारा ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा। देखा ना, ये होता है बाप। बाबा, बाबा। नहीं बेटी, चुप हो जा, रोना बंद कर बेटी, चुप हो जा, रो मत। तुझे कभी ना कभी तो इस घर से शादी करके जाना ही है, चुप हो जा। देखा बेटा, शादी की बात आती ही कैसे रोने लगी। मुझे ये शादी नहीं करनी है बाबा। नहीं, ऐसा मत बोलो। कहते बेटा, फैसला हो चुका है, ये शादी होके रहेगी। मुझे नहीं करनी है, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। पागल हो गई है, सटक गई है तेरी, ये शादी तो अब होकर ही रहेगी। कह दिया ना नहीं करनी। वो शादी के लिए मना कर रही है तो जबरदस्ती क्यों कर रहा है? पापा समझा करो, समझा करो, समझा करो। हाँ अच्छा अच्छा, ये शादी तो होनी ही चाहिए। तू उस लड़के को जानता है? हाँ हाँ जानता हूँ, बहुत ही स्मार्ट है वो। हाँ और प्रकाश ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या? ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया, प्रसन्ना के साथ जोड़ी जमेगी ना। अरे सुपर। हाँ। वो तो प्रसन्ना के लिए ही पैदा हुआ है। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। छोटी सी? वो दहेज में 50,00,000 चाहते हैं और उसके लिए चाचा ये घर बेचना चाहते हैं पूरा। क्या रे, तू ये घर बेचेगा? नहीं, नहीं।
प्रसन्ना मेरी भी बेटी है, मैंने भी थोड़ा बहुत पैसा कमाया है, शादी का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। सारे कपड़े और तोहफे मेरी तरफ से होंगे। अरे तू क्या समझता है, हमारी दोस्ती सिर्फ स्टोर रूम तक ही नहीं है, स्टोर रूम के बाहर हम भाई जैसे हैं। मैंने भी स्विट्जरलैंड में अच्छा पैसा कमाया है, दहेज की सारी टेंशन मुझ पे छोड़ दे, मैं सब संभालूंगा। अरे प्रभास यहाँ। जी अंकल। आया। अपने दोस्त को जरा फोन लगा। एक छोटी सी प्रॉब्लम है, शादी 10 दिनों में हो जानी चाहिए क्योंकि लड़का ऑस्ट्रेलिया जाने वाला है। अच्छा 10 दिनों में, तो कौन सी बड़ी बात है, हम लोग शादी करके यहाँ से जाएंगे। हाँ उसके बाद ही जाएंगे। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम सब दोस्त मुझसे इतना प्यार करते हो। प्यार, प्यार लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता, इसे महसूस किया जाता है। पागल। और सुनो, मेहमानों को ठूस ठूस कर खिलाने की जिम्मेदारी मेरी है, इतना खिलाऊंगा कि जुलाब लग जाएगी। अब हम जम के ऐश करेंगे।